टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया दूसरा टेस्ट मैच पूरी तरीके से टीम इंडिया के नाम रहा है। दरअसल आपको बता दें कि टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 317 रनों से हरा दिया है। लेकिन आपको बता दें कि दूसरा टेस्ट मैच जहां टीम इंडिया के लिए एक अच्छा टेस्ट मैच भी रहा, वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया के लिए ये एक बवालों से भरा हुआ मैच भी रहा। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली पर एक मैच का प्रतिबंध लग सकता है। उन पर ये कार्रवाई दूसरे टेस्ट मैच में अंपायर नितिन मेनन के एक फैसले पर नाराजगी जताने के लिए लगा जा सकता है। बता दें आपको कि तीसरे दिन जो रूट को अक्षर पटेल की गेंद पर मैदानी अंपायर मेनन ने चलते जीवन दान मिला था। उन्होंने रूट के पैड से टकराई गेंद का इम्पैक्ट स्टंप से बाहर माना था। ऐसे में आपको बता दें कि DRS के दौरान टीवी अंपायर ने रूट को नॉट आउट करार दिया था। इस पर कोहली बिगड़ गए थे, वो तुरंत मेनन के पास चले गए थे और काफी देर तक उनसे बहस करते रहे थे। बता दें कि कोहली के हाव भाव से साफ लग रहा था कि उन्हें अंपायर का फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया है। इसी वजह से अब भारतीय टीम के कप्तान पर खतरा मंडरा रहा है बैन होने का। बता दें कि कोहली के पास अभी 2 डिमेरिट्स अंक पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे में अगर 2 अंक भी मिलते हैं तो कोहली को मैच से बबाहर बैठना पड़ सकता है। बता दें कि 4 डिमेरिट्स अंक होने पर एक टेस्ट या 2 वनडे मैच से बाहर बिठाया जा सकता है कोहली को। ऐसे में आपको बता दें कि 4 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबरी पर खड़ी है। वहीं टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 1-1 मैच अपने नाम कर चुके हैं। बता दें कि अब 24 फरवरी से अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा, जो कि डे नाइट मैच होगा। ऐसे में आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेस्टो और तेज गेंदबाज मार्क वुड को शामिल किया जा सकता है। बता दें आपको कि टीम इंडिया जहां जीत के बाद खुश हो रही थी, लेकिन वहीं अब शायद टीम इंडिया से विराट कोहली को बाहर जाना पड़ेगा, जो टीम इंडिया के लिए एक बेकार खबर है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे मुकाबले में आखिर क्या विराट कोहली पर ये बैन लगता है कि नहीं। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।